शिष्य सिखापन गुरु के माने गुरु साधुन के आज्ञाकारी। तेई मुक्ति पदारत पावे यमते रहनि निनारी। परमार्थ पथ में गुरु और शिष्य की परंपरा चलती है। जो ज्ञान देता है वो गुरु, जो ज्ञान ग्रहण करता है वह शिष्य। एक चेता एक चेतवनहारा। जो चेत गया है, जग गया है, जागा हुआ है वह गुरु है। जो जागने का प्रयास कर रहा है, अभी अज्ञान निन में है, अधूरा है, वह शिष्य। यहाँ सब गुरु कहते हैं। शिष्य कौन है? जो गुरु के सिखापन, गुरु के उपदेश को मानता है। शासनात् संसनात् शिष्य ये कहा गया है। शिष्य कौन? जो शासन माने। शासन का अर्थ है उपदेश। एक तो शासन दो, समाज को व्यथित रखने के लिए बनाए जाते हैं नियम कानून, उनको लोग कहा जाता है। लेकिन शासन का अर्थ होता है उपदेश। जो गुरु उपदेश के अनुसार चलता है और गुरु साधुन के आज्ञाकारी, संतों और गुरुजनों के उचित आज्ञाओं का पालन करता है, वह शिष्य है। संतों और गुरुजनों के प्रति विनम्र रहे बिना और उनकी जो कल्याणकारी आज्ञाएं हैं, उनकी जो सीख है, उसके अनुसार जीवन का आचरण बनाए बिना हमारा कल्याण हो नहीं सकता है। एक तो गुरु है जो दीक्षा देता है, और जो दीक्षा लेता है ग्रहण करता है वो शिष्य। एक व्यवहार है यह। और इस व्यवहार की भी आवश्यकता होती है। लेकिन असली गुरु कौन? जो निर्मोह है। वैसे तो गुरु वह है जो गुरुपद में स्थित है। गुरुपद आत्मपद, स्वरूप पद, आत्मभाव, पूर्ण निष्काम, अनासक्त, शांत, वह गुरु है। लेकिन इस दशा में तो कोई कोई पहुंच सकता है। पहुंचने का तो हर कोई पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचता कोई कोई है। लेकिन समान रूप से जो निर्लोभ हो, निर्मोह हो, ज्ञान वैराग्य संयम साधना के पथ पर चल रहा हो, वह गुरु है। और ऐसे गुरु से दीक्षा लेने पर हमारा मन भी उस दिशा में चलने को कहता है। लेकिन कोई किसी को दीक्षा दे दिया, इतने तो गुरु नहीं हो जाता है। व्यवहारिक गुरु वह जरूर है। गुरु का तो अर्थ होता है वजनदार,
भारी, और वजनदार होना, भारीपना सद्गुण सहचार के कारण, त्याग बैराग जीवन के जो रहने उनके कारण। जितना जितना हम त्याग बैराग के पथ पर चलते जाएंगे, त्याग बैराग के पथ पर चलने का अर्थ ये नहीं है कि केवल घर छोड़ देना, वो तो कुछ लोग होते हैं। त्याग और बैराग की आवश्यकता हर उस मनुष्य को है, हर उस स्त्री और पुरुष को है जो दुखों से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि बिना त्याग और वैराग के दुखों से पूरा का पूरा छुटकारा संभव नहीं है। अब जितनी मात्रा में त्याग वैराग होगा उतने मात्रा में हम दुख से अपने को बचा सकेंगे। पूर्ण दुख निवृत्ति चाहिए, दुखों से पूरा छुटकारा चाहिए, तभी पूरा त्याग वैराग चाहिए। पूरा त्याग वैराग नहीं कर सकते तो जितनी मात्रा में कर सकते हैं उतनी मात्रा में त्याग वैराग करें। यहां का अर्थ है शिष्य कौन, जो शिखापन माने, विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन हैं जो त्याग वैराग के पथ पर चल रहे हैं, उनकी सीख को, उनके उपदेश को जो मानता है, उसके अनुसार जीवन चलता है और संतों गुरुजनों के आज्ञाकारी होता है, वह शिष्य है। किसी न किसी के अधीन तो होना पड़ेगा, न संत गुरुजनों के अधीन हो तो अपने मन के अधीन होना पड़ेगा। मन की बात तो सभी मार रहे हैं, अनादिकाल से हम मन के अधीन होकर मन की बात मानते मानते, मन की इच्छाओं को पूरा करते करते ही तो आ रहे हैं। अब परिणाम क्या हुआ, अनुभव सबका है। न गुरु की भक्ति करेंगे, न संतों की भक्ति करेंगे तो मन की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी भक्ति करेंगे। गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तो दुनियादारी जो लोग हैं मोह प्रपंच में राग रंग में डूबे हुए, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे। किसी न किसी के आगे तो सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी जैसी समझ होती है वो वैसे जगह पर फिर झुकाता है। कल्याण पथ में चलना है, दुखों से बचना है तो विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन चाहे वो कहीं के भी हों, जितने भी विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन हैं जो सही ढंग से त्याग वैराग्य पथ पर चल रहे हैं, वे सभी संत गुरुजन हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय, उपासनीय है। उनके बताए पथ पर चल करके ही हम कल्याण मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तेई मुक्ति पदार्थ पावे यमते रहने निनारी, और ऐसा जो शिष्य है, ऐसा जो साधक है, जो संतों गुरुजनों की सीख मानता है, सीख मानकर उसके अनुसार से जीवन आचरण बनाता है, वही मुक्ति पदार्थ पाएगा, मुक्त दशा का अनुभव वही कर सकता है। सभी भी कहते हैं मुक्ति पदार्थ कौन पाएगा, यमते रहनी निनारी, जिसकी रहनी यमराज से अलग हो गई है, जो यम की बात नहीं मानता, यम के आज्ञा में नहीं चलता, किंतु
संतों गुरुजनों की बात मानता है, संतों गुरुजनों की आज्ञा में चलता है, वह मुक्ति पदार्थ पाएगा। यम क्या है? ऐसा यम जो बराबर हमारे साथ चल बना रहता है, वह है हमारा अज्ञान में डूबा हुआ मन, हमारा जो विकारी मन है, गंदा मन, ये सबसे बड़ा यमराज है। यमराज की कल्पना की गई है आकाश में मृत्यु के द्योतक रूप में, वो एक कल्पना है। आकाश में ऐसा कोई मृत्यु लोक नहीं है जहां मर मर करके लोग जाते हों और जहाँ कोई व्यक्ति यमराज बैठ करके लोगों के कर्मों का लेखा जोखा करता हो, भटकाता हो। जो हमें निरंतर भटका रहा है, गलत प्रेरणा दे रहा है, वह कौन है? हमारा ही विकारी मन, गंदा मन। हमारी भूल से हमारा मन यमराज बना है, अब उसी का दिन हम बन गए हैं। तो जो मन के कहे अनुसार नहीं चलता, साहब कहते हैं यमते रहनी निनारी, जिसकी रहनी, जिसका आचरण यमराज से अलग हो गया, अर्थात जो मन के अनुसार नहीं चलता है, ज्ञान के अनुसार चलता है, संत गुरुजनों के आज्ञा के अनुसार चलता है, वह मुक्ति पदार्थ पाता है। मन के अनुसार चलते चलते तो केवल बंधन का अनुभव हुआ है आज तक। तो भीतर जो निरंतर हमें गलत प्रेरणा दे रहा है, वह यम है हमारा गंदा मन, विकारी मन, राग रंग में डूबा हुआ मन। बाहर यम कौन है? ऐसे नर नारी जो बराबर गलत प्रेरणा देने वाले होते हैं, गलत सीख देने वाले होते हैं। अच्छी सीख देने वाले भी हैं तो गलत सीख देने वाले भी हैं। जो अच्छी सीख देने वाले हैं उन्हें हम संत गुरुजन कहते हैं, सज्जन कहते हैं, भक्त कहते हैं। और जो गलत सीख देने हैं, बराबर दुनियादारी, राग रंग, विषय वासना, लोभ मोह का पाठ पढ़ा रहे हैं, वे बाहर के यम हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि गलत पाठ पढ़ा पढ़ा कर, गलत पाठ पढ़ा पढ़ा करके गलत मार्ग की प्रेरणा दे देते हैं, बराबर उसी को सीख देते रहते हैं, अच्छे मार्ग के लिए हतोत्साहित करते रहते हैं। कहेंगे अरे देख लिए हैं बहुत भक्ति करने वाले को, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को, त्याग बराग रास्ते में चलने वाले को सब दिखावा करते हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। चाहे तुम जैसा भी कर लो, मन कभी शांत होगा ही नहीं, मन कभी निर्मल हो गया नहीं, मन रुकेगा ही नहीं। बराबर ऐसी बात कह कह करके साहसीन बना देते हैं लोग। तो ऐसी बात जो कहने वाले लोग हैं वो बाहर की यमराज हैं, उनसे बचना होगा। और ऐसे यमराज हर जगह मिलते रहेंगे, घर परिवार में ही मिलते हैं, सगे संबंधियों में ही मिलते हैं। अब उनके लिए यमराज शब्द का प्रयोग करना है तो बहुत कठोर बिहारिकता नहीं है, लेकिन सर्वाधिक गलत प्रेरणा कहां से मिलती है? जिन्हें अपना माना जाता है, जिन्हें अपना कहा जाता है, जिन्हें हम अपने आत्मीय लोग कहते हैं। भाषा भले कठोर हो, शब्द भले कठोर हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे लोग यमराज हैं।
उनकी बातों पर कम से कम ध्यान दें, नहीं के बराबर। उचित बातें कहते हैं उन पर तो ध्यान देना होगा व्यवहार के लिए। तो जो जिनकी रहनी यमराज से अलग हो गई, जो यमराज की बात नहीं मानता है, तेई मुक्ति पदार्थ पावे, वही मुक्ति पदार्थ का अनुभव करेगा, मुक्ति दशा का, मानसिक शांति, मानसिक संतोष, मन की निर्मलता का अनुभव कर सकेगा। इसलिए संतों गजनों की सीख, सज्जन जो भक्त हैं उनकी सीख हमारे लिए हितकर है। सत्य भेद सत रहन साधु की, संत दर्श अविकारी, ते अधिकारी गुरु पारख के निर्जी दुख निवारी। इसके ऊपर की पंक्तियों में साहब ने कहा शिष्य कौन है, सिखापन गुरु के माने, जो गुरु की सीख मानता है और साधु गुरुजनों के आज्ञा में चलता है वह शिष्य है। अब साधु गुरु कौन, साहब इस पंक्ति में बताते हैं, सत्य भेष सत रहन इस साधु की, जिसका वेश सात्विक, यहां कहा गया है सत्य वेश, लेकिन वेश में क्या सत्य असत्य है, सात्विक वेश, सादा रहन सहन सादा हो, सात्विक वेश जो तड़क भड़क न करता हो। तमाम साधु ऐसे होते हैं, कितने तड़क भड़क, कितने माला, कितने हाथ में, उसमें क्या क्या पहने रहते हैं, दिखावे की आवश्यकता नहीं है, सहजता होनी चाहिए। सत रहनी खास बात है, रहनी सहजता पूर्ण हो। वेश तो सात्विक है, सादा है, लेकिन रहनी सहजता पूर्ण नहीं है तो वेश क्या करेगा, वेश में साधुता नहीं है। साधुता का एक वेश होता है, हर मत हर पंथ संप्रदाय में अपना एक अलग वेश होता है, उस वेश से पहचान में आता है कि अमुक संप्रदाय या अमुक मत परंपरा के साधक हैं, लेकिन उस वेश में साधुता नहीं है। साधुता तो जीवन के आचरण में है। जिसकी रहनी सहजता पूर्ण नहीं है, छल कपट का व्यवहार है, बाहर कुछ और भीतर कुछ, ये साधुता काम नहीं आएगी। मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहु मोहि नहीं जाना। इसे गुरु कबीर कहते हैं, जिसके मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, ऐसा व्यक्ति सपने में भी सत्य को, आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को, अध्यात्म को समझ नहीं सकता। मुख में तो, वाणी से तो त्याग बैराग की बात है, संयम साधना की बात, और अंदर में लोभ मोह, जहाँ जाऊँ अधिक से अधिक पूजा मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, सुविधा मिले, खाने पीने को मिले, सब लोग मुझे ही बड़ा माने, तो इससे कल्याण थोड़े होने वाला है। मुख हृदय जाके एके हुई, कहें कबीर पद बूझे सोई। जिसके मुख और हृदय में एक जैसी बात है, वह सत्य पद को, आत्म पद को, परमात्म पद को समझ सकता है। हमें
प्रवचन करना ना आता हो, भजन गाना ना आता हो, कोई लेख लिखना या किताब लिखना ना आता हो, लेकिन हमारा मन शांत हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, त्याग वाला से पूर्ण हो, तो हमारा घाटा क्या हो जाएगा? पहली बात तो हमें ये समझना होगा, जितने भी संसाधक हैं, चाहे किसी मत पंथ के हैं, हम सिर्फ अपने कल्याण के लिए, दुख निवृत्ति के लिए ही घर छोड़ करके संतों गुरुजनों की शरण में आए हैं। लोगों का कल्याण करने के लिए नहीं आए हैं, गुरु बनने के लिए, बाबा बनने के लिए, महंत बनने के लिए नहीं आए हैं। एक ही कामना थी कि संतों और गुरुजनों की शरण में जाएंगे, उनके बताए नियम के अनुसार चल करके कल्याण का काम करेंगे, बस उसी को आगे रखना है। वही भावना जब आगे रहेगी तो कहीं भटकाव नहीं होगा, दुराशिपाव नहीं होगा। और वह भावना भूल गई, वह उद्देश्य भूल गया, तो भटकाव के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं, चाहे वो साधु के लिए हो, चाहे भक्तों के लिए, चाहे सज्जनों के लिए हो, जितने भी साधक हैं, साधक तो सब है, सबके लिए नियम एक जैसा है। सत रहनी, सतता पूर्ण आचरण, निरंतर अपने आप को कसते रहना होगा। ये कहने सुनने की बात नहीं है, साहब ने भी कहा है कुछ रहने गहने की बात, वो जो दशा है रहने गहने की बात है, ग्रहण इंद्रियों से होता है और रहना मन से होता है। आचरण इंद्रियों से होगा, किसी भी सद्गुण का आचरण इंद्रियों से होगा, और रहने का मतलब क्या है? मन का शांत हो जाना, निर्विकार हो जाना, मन का कहीं न ललचाना। और इसी को साहब ने कहा है, रहनी रहे तो गुरु हमारा, जो रहनी में रहता है, रहनी में रहने का मतलब है मन का पूर्ण निष्कलुष हो जाना, पूर्ण शांत संतुष्ट, कुछ भी इच्छा बाहर न रह जाना। एक सज्जन आते थे आश्रम में, बड़े सरल थे, यहीं इलाहाबाद में एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। गुरुदेव जी की पुस्तक कल्याण पथ पता नहीं वो कितनी बार पढ़े होंगे, हर पेज में पता नहीं पूरा लग, हर पेज अंडरलाइन किए रहता था उनका। एक बार वे आए, गुरुदेव जी से चर्चा कर रहे थे, कहे साहब अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है, सारी की सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई, शांत हो गई, कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है, अब खाली एक ही इच्छा है जीवन मुक्त होने की। गुरुदेव जी ने कहा वो इच्छा छोड़ दो ना, इसी समय जीवन मुक्त हो जाओगे, वो भी इच्छा नहीं करना है। मतलब क्या है? मन जब पूरी तरह शांत हो गया तो जीवन मुक्त होने की इच्छा करने की क्या जरूरत है, वो तो रहने की बात है। इच्छा नहीं करना है, उस रहने में, उस आचरण में चलना है। उसी के लिए साहब ने कहा है रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। जिसका भी मन पूर्ण आत्मलीन है, आत्मसंतुष्ट है, साहब कबीर साहब कहते हैं वो मेरा साथी है। कोई भी व्यक्ति कबीर साहब का साथी हो सकता है, भले कबीर साहब का शरीर छूटे आज से 550 साल पहले हो गया है। हम मानते हैं, कबीर पंथ में माना जाता है
कि 1500 कहीं कहीं कोई 1518 कहते हैं या 1519 कहते हैं, ये तो 2019 है। ये कबीर साहब के आत्मलीन होने की 5वीं शताब्दी है। तो आज भी कोई भी व्यक्ति कबीर साहब का साथी हो सकता है, जब वो रहने में रहता हो बस। साहब कहते हैं सत भेष सत रहनी साधु की, साधु का वेश सात्विकता पूर्ण होना चाहिए, तड़क भड़क दिखावा से रहित, और उसकी रहनी सतता से पूर्ण। किसके लिए छल, किसके लिए कपट, किसके लिए झूठ, जिन चीजों के लिए, जिस मान महंती के लिए, जिस रुपये पैसे के लिए हम झूठ का व्यवहार करते हैं, उनमें से साथ रहने वाला कौन है, किससे हमारा नित्य का संबंध है। नित्य का संबंध हमारा हमसे है, केवल अपने आप से, वो कभी छूटने वाला नहीं है। तो उसके लिए जैसे हमारा स्वरूप, हमारा अपना आत्मभाव सत्य है, तो उसमें स्थित होने के लिए आत्मभित सत्यता पूर्ण चाहिए, पूर्ण निश्चल निष्कपट भाव। ऐसे जो संत हैं, सदगुरु कहते हैं संत दरस अविकारी, ऐसे निर्मल रहने से संपन्न जो संत हैं, गुरुजन हैं, उनके दर्शन मात्र से हमारा मन निर्विकार होता है, मन के विकार घटते हैं। अनेक लोग इस आश्रम में आते थे, जब गुरुदेव जी थे, अभी भी ऐसे लोग आते रहते हैं, जब गुरुदेव जी थे तब आते थे, गुरुदेव जी से मिलते थे, कितने कितने परिचित होते थे, कितने अपरिचित होते थे, कोई 2 मिनट बैठता मिलते थे, कोई 5 मिनट, कोई आधा घंटा, और मिल करके जब निकलते थे तब ये कहते थे महाराज जी के दर्शन किया, मन को बड़ी शांति मिली। क्यों? शांत के बाद बैठे थे इसलिए शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि गुरुदेव जी का मन निर्विकार था, उनके पास उनके बैठने मात्र से हमारे मन में वो भावना आती है। यदि हमारा मन उसे शुद्ध साफ है तब तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिनका वेश सात्विक है, जिनकी रहनी सतते से पूर्ण है, ऐसे संतों के दर्शन मात्र से ही हमारे मन की विकारी भावनाएं घटती हैं। इसलिए ऐसे जो संत हैं उनसे बराबर मिलते रहने की, उनके दर्शन करते रहने की आवश्यकता है, वही हमारे लिए संबल है कल्याण पथ के। ते अधिकारी गुरु पारख के निर्जीव धोख निवारी। गुरु पारक अधिकारी कौन? पारक तो जीव का स्वरूप है, हर जीव में परक की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति दबी हुई है, हम उसको भूल गए हैं। तो गुरु पारक अधिकारी कौन होगा? गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का आत्मज्ञान आत्मबोध, उसका अधिकारी कौन होगा? निर्जीव धोख निवारी, जिसके मन से निर्जीव का धोखा मिट गया है। अब निर्जीव को हम दो ढंग से समझ सकते हैं, शरीर से लेकर संसार तक जहां कुछ हमारे नजरों के सामने हैं, इंद्रियों से हम जो कुछ ग्रहण करते हैं सब निर्जीव है। शरीर भी तो निर्जीव है, इसमें जीव है इसलिए सजीव लगता है, मिट्टी पानी आग हवा इनसे बना शरीर, मिट्टी पानी आग हवा तो निर्जीव है, और निर्जीव तत्वों से बना हुआ पदार्थ निर्जीव ही होगा।
तो शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ है सब निर्जीव है, अनात्मा है। इस निर्जीव पदार्थों में सुख मिलेगा जिसके मन से यह धोखा समाप्त हो चुका है, सुख पाने का भ्रम, गुरु पारक अधिकारी हुआ होगा। अभी तो हमारा मन ललचाता रहता है ना, देख देख करके, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, और उनको हम महत्वपूर्ण मानते रहते हैं। तो जितना हमें बाहर चीजें महत्वपूर्ण जान पड़ेंगी उतना अपना महत्व समझ में नहीं आने वाला है। बाहर की चीजें जितनी मूल्यहीन समझ में आएगी, महत्वहीन समझ में आएगी, उधर से मन जितना उदास होता जाएगा उतना अपना मूल्य, अपना महत्व समझ में आता जाएगा। बाहर चीजें मूल्यवान हैं व्यवहार के अर्थ में, सेवा के लिए। व्यवहार और परमार्थ का क्षेत्र अलग अलग है। व्यवहार में जो चीज जैसी है उसको उढ़ंग से मूल्य देना होगा, महत्व देना होगा, अन्यथा व्यवहार चल नहीं पाएगा। लेकिन बात यहां पर है अध्यात्म की, दुख निवृत्ति की। उच्चतम दशा है गुरु पारक, कल्याण पद, मोक्ष पद, परमात्म पद, ब्रह्म पद, निर्वाण पद, कैवल्य पद, कुछ भी पद का अभ्यास कर ले, उसका अधिकारी कौन होगा? निर्जीव का धोखा जिसके मन से मिट चुका होगा। धोखा मिटने का मतलब मोह मिटना। मोह ही तो धोखा का कारण बनता है, मोह ही नहीं तो धोखा क्यों होगा? बाहर की चीजें मेरी है, उनमें सुख है, यह भ्रम जब मिट जाएगा तब आत्मपद समझ में आएगा। निर्जीव धोख नहीं मारी, मन से जो हम कल्पना करते हैं हमारा परमात्मा, हमारा मोक्ष, हमारे आत्मा का धाम बाहर है, बाहर से परमात्मा मिलेगा तब हम पूर्ण होंगे, बाहर से ईश्वर में जब मिल जाएंगे तब हम पूर्ण हो जाएंगे, ये भावना भी निर्जीव है। और ये धोखा मिटना बहुत मुश्किल है। यहां हम परख नहीं कर पाते। जिंदगी भर जड़ पिंडियों, निर्जीव पिंडियों की पूजा करते रह जाते हैं, धोखा मिटता नहीं है। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े संयमी हैं, वैराग्यवान हैं, लेकिन जिंदगी भर निर्जीव पिंडियों की पूजा करते रह जाते हैं। जो बिल्कुल भोले भाले हैं, जिन्हें धर्म अध्यात्म की कुछ भी समझ नहीं है, जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, उनके लिए तो एक सहारा कहा जा सकता है, भाई चलो ये चित्र है, मूर्ति है, इसकी पूजा करो, ये भगवान है, तुम्हारा बेड़ा पार कर दे, तो उनके एक सहारा है कुछ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन समझदार हैं, समझते हैं, बुझते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी वो धोखा नहीं मिट रहा है। कितना भ्रम में आदमी जीता है, किसी को हम कह दें एक बढ़िया से सुंदर मूर्ति हो और मूर्ति केवल संगमरमर पत्थर से नहीं, चांदी सोने की भी मूर्ति बना दो, किसी को कह दो तुम खेती करना चाहते हो ना, जाओ ये सुंदर बैल है कि मूर्ति है इसे ले जाओ,
ये तुम्हारा खेत जोतेगा, विश्वास नहीं करेगा। किसी को बच्चा पैदा ना हो रहा हो, सोने का बालक की मूर्ति बनाकर दे दो, जाओ तुम्हारा बच्चा नहीं, ये तुम्हारा बच्चा, इसको खूब प्यार करो, तुम्हारे बुढ़ापा में खूब सेवा करेगा, विश्वास नहीं करेगा। सुंदर से सुंदर चित्र बने हुए हों, एकदम स्वस्थ युवक, किसी को कह दो तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, देखो ये सुंदर युवक चित्र है, ये भावना करो इसे शादी कर दो, बहुत सुंदर, विश्वास नहीं करेगा। लेकिन कह दो ये जो चित्र है ना, भगवान का पूजा करो, तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा, हाँ अब हो सकता है, वहां विश्वास कर लेगा। कागज के बैल पर विश्वास नहीं है, कागज के बेटे पर विश्वास नहीं है, कागज की पत्नी पर विश्वास नहीं है, कागज के पति पर विश्वास नहीं है, कागज के मां बाप पर विश्वास नहीं है, कागज के भगवान पर विश्वास है। बात कठोर है। पत्थर के बेटे पर विश्वास नहीं है, पत्थर की बेटी पर विश्वास नहीं, पत्थर की पत्नी पर, पत्थर के पति पर, पत्थर मां बाप पर विश्वास नहीं, पत्थर के गुरु पर विश्वास नहीं, लेकिन पत्थर के भगवान पर विश्वास है। ये धोखा जब तक नहीं मिटेगा, सत्य पद को, कल्याण पद को, ब्रह्म पद को कभी समझ नहीं सकते हो। और इस धोखा में कितने लोग पड़े हुए हैं। जिंदगी बीत जा रही है निर्जी की पूजा करते 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 करते, कुछ पता नहीं चला कि मैं कौन हूं। ते अधिकारी गुरु पारख के निर्जी धोख निवारी। सदगुरु कहते हैं गुरु पारक का अधिकारी, श्रेष्ठ आत्मज्ञान का अधिकारी, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी, कैवल्य पद का अधिकारी कौन हो सकता है जिसके मन से निर्जीव का धोखा पूरी तरह से मिट सके चुका है। चाहे वह स्थूल जड़ पदार्थ हो, चाहे उसे कुछ और भी हम कह लें, जड़ पदार्थों का मोह छोड़ना तो सरल हो जाता है, लेकिन जिसे एक बार भगवान मान लिया गया उसका मोह छोड़ना कठिन हो जाता है। कहा तो ये जाता है, किसी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है फिर जीवित हो जाता है, तो प्राण प्रतिष्ठा कर दो तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, उसे परंपरा कर दो तुम तो जीवित हो जाके बेटा मान लो ना, हर्जा क्या है। लेकिन ये धर्म गुरु लोग और पुरोहित लोग इतना भटका करके रखे हैं कि क्या कहा जाए। बस होता यह है आमदनी का तरीका, जरिया। ऐसे मंदिर बना दो जहां कोई मूर्ति नहीं है, कौन आएगा देखने के लिए। मूर्ति रख दो, फिर वो मूर्ति आपको बैठे बैठे जिंदगी भर खिलाती पिलाती रहेगी। इसके लिए धंधा चलाया गया है, लेकिन ये धंधा को हम समझ थोड़े पाते हैं, और नहीं समझ पाते इसीलिए पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन मन का धोखा मिट नहीं रहा है, भ्रांत भी मिट नहीं रही है, आत्मबोध नहीं हो रहा है। सद्गुरु कहते हैं ते अधिकारी गुरु पारक के निर्जी धोख निवारी। गुरु पारक अधिकारी वह होगा जिसके मन से निर्जी का धोखा मिट चुका होगा। जब पदार्थों से सुख पाने की भावना और जब पदार्थ हमारा बेड़ा पार कर देगा ये भावना जब मिटेगी, तब सत्य पद को समझ में आ पाएगा, वही अधिकारी हो सकेगा। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, बसे आनंद अटारी, प्रेम भाव साधन सेवकाई, कहें कबीर पुकारी। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, गुरुमुख का जो सुख है वह अनुमान रहित पद है, उसमें कोई अनुमान कल्पना की बात नहीं है। गुरुमुख सुख क्या है? गुरु के बताए रास्ते पर
ज्ञान सेवा भक्ति संयम साधना के रास्ते पर चल करके। कहना चाहिए मन की जो निर्मलता है, मन का जो संयम है, आत्मस्वस्थता है, इसका जो सुख है अनुमान रहित है। इसमें कोई अनुमान कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जितना जितना हमारा मन अंतर्मुख होता जाएगा, संयमित और निर्मल होता जाएगा, उतना उतना सच्चे सुख का अनुभव होता जाएगा। इसमें अनुमान की क्या जरूरत है? बाहर का कोई भी सुख स्थिर रहने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर जिन प्राणी पदार्थों में हम सुख मानते हैं वो प्राणी पदार्थ ही स्थिर नहीं है, एक भ्रम है उनमें क्या यहां से सुख आ रहा है। लेकिन मन की निर्मलता का सुख इसमें कौन सा अनुमान है, इसको कौन छीन लेगा? इसको तो कोई भी अनुभव कर सकता है ना। लेकिन इस दिशा में हमारी प्रगति नहीं होती है, हम तो मन इंद्रों को तेजना को ही सुख मानते हैं। और सुख मानते क्या है, एक भ्रम में जिंदगी भर पड़े रह जाते हैं। जिस सुख की कल्पना थी वो सुख का अनुभव होता नहीं है। तो गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, अनुमान रहित, जहां अनुमान नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई धोखा नहीं है, वह सुख है मन के अंतर्मुक्ता का, मन की निर्मलता का, आत्मस्वस्थता का, निष्कामता का। बसे आनंद अटारी, आनंद की अटारी पर कौन निवास करेगा? जिसके बाहर से अनुमान कल्पना सब कुछ समाप्त है, जो गुरु ज्ञान को समझता है और मन को निष्काम निर्मोह बनाकर अंतर्मुख कर लिया है, आनंद के अटारी पर वही निवास करेगा। वो आनंद का अटारी कहीं बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर ही कहना एक तरीका है, व्यक्ति का अपना आपा है। इसलिए कहीं भटकने की, कहीं कुछ पाने की कल्पना करने का आवश्यकता है नहीं। प्रेम भाव साधुन सेवकाई, कहें कबीर पुकारी। लेकिन साहब कहते हैं इसका अनुभव करना चाहते हो, एक रस इस मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहते हो या टिके रहना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है। संतों गुजनों के लिए प्रेम भाव और उनकी सेवकाई। यदि संतों गुजनों से प्रेम भाव घट गया तो फिर कल्याण पथ में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। जीवन पर्यंत संतों गुजनों का सहारा लिए रहने की आवश्यकता है। अब कोई कह सकता है हमारे गुरु का शरीर नहीं रह गया तो समाज तो है ना, समाज ही गुरु है। कोई कितना बड़ा से बड़ा हो गया उसके लिए भी शरीर की रक्षा है, सब कुछ समाज ही तो रक्षा है। तो गुरु, ऐसे तो गुरु कभी नहीं मरते, गुरु तो ज्ञान है और ज्ञान को सहारा देने वाले समाज है। अब गुरु नहीं है उसके लिए बड़ा प्रेम, उसके लिए बड़े भक्ति, और समाज उसके लिए, संतों का जो समाज है निश्चित है समाज में छोटे बड़े अनेक किस्म के हर स्थिति के साधक हैं। लेकिन पूरा समाज का जो संवेश स्वरूप है वो तो शुद्ध है, उसके लिए प्रेम होना चाहिए। लेकिन समाज के लिए, अन्य संतों के लिए प्रेम नहीं है तो गुरु के लिए भी प्रेम नहीं होगा। फिर
गुरु के प्रति प्रेम करने का अर्थ है समाज के प्रति प्रेम करना, और समाज के प्रति प्रेम करने का अर्थ है साधुता का जो नियम है, गुरु ने जो नियम बताया है उसके प्रति प्रेम करना। यही रास्ता है एक रथ आगे बढ़ने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। फिर ताकत सेवकाई, विनम्रता, जितना बन सके सेवा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो घर में रहता हो चाहे साधु समाज में रहता हो, जो भी व्यक्ति सेवा से जी चुराएगा, सेवा से कतराएगा, घबराएगा, उसका अंतःकरण कभी शुद्ध हो नहीं सकता है। सेवा से हमारा जी कब घबराता है, सेवा से हम जी कब चुराते हैं, जब हमारा मन मलिन होता है। देहाध्यास की भावना है, सुखाध्यास की भावना है, आराम तलवी है, लोभ है, लालच है, तो हम सेवा से घबराते हैं। कोई भी जो सच्चा साधक होगा, चाहे वो घर में रहता हो चाहे आश्रम में रहता हो, वह सेवा से डरेगा नहीं। चित्त शुद्धि का पहला उपाय है सेवा। अब सेवा की अपनी अपनी एक श्रेणी होती है, सेवा के अनेक प्रकार होते हैं। कभी स्थूल सेवा की आवश्यकता होती है, कभी सूक्ष्म सेवा की आवश्यकता होती है। लेकिन सेवा का भाव तो हो, रास्ता चलते जा रहे हैं, देखा कि रास्ते के में बीच में सड़क में एक रोड़ा पड़ा है, इनका टुकड़ा पड़ा है, उठाकर फेंक दो, एक सेवा हो गई। देखा कि कांटे पड़े हैं, उठाकर फेंक दो, सेवा हो गई। सेवा का मन हो तो सेवा का क्षेत्र हर जगह मिलेगा, और मन ही नहीं है तब तो फिर कोई बातें नहीं है। तो बिना सेवा के हमारा चित्त कभी शुद्ध होगा ही नहीं। तो जिंदगी भर सेवा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है हम तो इतने दिन के साधक हो गए, इतने दिन के साधु हैं, या इतने दिन के भगत हैं, इतने दिन के सत्संगी हैं, अब सेवा की क्या जरूरत। जिंदगी भर जरूरत है, जिंदगी भर, क्योंकि जिंदगी भर मन मलिन होने का चांद बना रहता है। तो अपने अपने क्षेत्र में जो जहां है सबको सेवा परायण होने की आवश्यकता है। सेवा का अवसर नहीं तो सेवा का मन तो बनाए पहले, मन बनेगा तो सेवा का अवसर खोज लिया जाएगा। और मन ही नहीं है तब सेवा का अवसर होते हुए भी कह दिया जाएगा यहां तो कोई सेवा का अवसर ही नहीं है, हर जगह है। आखिर हम अभी जिस आश्रम में रह रहे हैं, हमें समय से जलपान मिल रहा है, समय से भोजन मिल रहा है, कोई सेवा कर रहा है तब ना। हम लोग तो यहां बैठे हैं, अभी भोजनालय में कुछ लोग सेवा में लगे हैं, यदि वो सेवा ना करते तब। दोपहर में समय से भोजन मिल जाता है, वो लोग सेवा ना करते तब। सुबह उठते ही पूरे आंगन में सफाई हो जाती है, वो सेवा ना करते तब। तो दूसरे की सेवा का हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारा भी तो कर्तव्य होता है। कम से कम इतना हम कर लें, सफाई नहीं कर सकते तो गंदगी न फैलाए, ये भी सेवा हो जाएगी। सेवा का मन होना चाहिए, और सेवा के लिए चाहिए विनम्रता। जब तक मन विनम्र नहीं होगा, झुका हुआ नहीं होगा, तब तक न संतों के प्रति प्रेम होगा, न सेवा की भावना होगी। और संतों के लिए प्रेम नहीं है, मन विनम्र नहीं है, सेवा की भावना नहीं है मन में, तो जिस कल्याण पर, जिस शांति पर, सुख
आत्मपद का अनुभव करना चाहते हैं वो केवल सपना बन करके रह जाएगा। कहते सुनते बस हम रह जाएंगे, अनुभव नहीं हो पाएगा। प्रेम भाव साधन सेवकाई कहें कबीर पुकारी, कबीर साहब पुकार कर कहते हैं वो जो गुरुमत है जो अत्यंत वजनदार है उस पर चलने के लिए उसमें स्थित होने के लिए दो बातों पर जोर देना होगा। जो ज्ञान वैराग्यवान संत हैं गुरुजन हैं कहीं के भी हों किसी कपड़े में हों उनके लिए मन में श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव होना और सेवा की भावना होना, समर्पण की भावना होना, सरल विनम्र मन होना। सरल विनम्र मन में ही ज्ञान के बीज अंकुरित होंगे और रास्ता नहीं बचता है। इस पूरे पद में सद्गुरु कबीर ये बात हमें बताते हैं। शुरू में उन्होंने कहा कि गुरु का जो मत है, गुरु का जो निर्णय है, सत सिद्धांत है, वह अत्यंत वजनदार है, अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत आनंददायक शांतिदायक है। उसको जो लख लेता है, लख करके आचरण कर लेता है और सारे मानसिक क्लेशों से छुटकारा पा जाता है, उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और जो उसको नहीं समझता है, समझ कर आचरण नहीं करता, फिर तो जिंदगी भर उसे मन की गुलामी करते रहना हो जाता है। उस गुरुमत को समझने के लिए और समझ कर आचरण करने के लिए आवश्यक है हम संतों गुरुजनों की सीख माने, उनकी आज्ञा माने, उनके प्रति प्रेम भाव रखें, सेवा भावना रखें। और बाहर जो हमारा निर्जित तत्वों के प्रति लोभ मोह है, आकर्षण है, उसको छोड़ते चले जाएं। संतों गुरुजनों की सीख मानने का अर्थ ही है निर्जीव का धोखा है, अधिकार में करने की जो लालसा है, इस लालसा का मिट जाना। परिणाम होगा जिस सुख का हम अनुमान करते रहे आज तक, जिसकी केवल कल्पना करते रहे, उसका अनुभव कर लेना, जीते जी उसका साक्षात्कार करना। जब अनुभव का साक्षात्कार हो गया तो अब कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार पूरे पद का फिर से मनन करें। हंसा ऐसो गुरुमत भारी, लखेत भव में आवत नाही, भव के बहुत बेगारी, शिष्य शिखापन गुरु के माने, गुरु साधुन के आज्ञाकारी, तेई मुक्ति पदार्थ पावे, यमते रहनी निनारी, सत भेष सत रहनि साधु की, संत दरथ अविकारी, ते अधिकारी गुरु पारक के निर्जी धोख निवारी, गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, बसे आनंद अटारी, प्रेम भाव साधुन सेवकाई कहें कबीर पुकारी। एक बात और याद रखें, आप हंस हैं, आप बगुला नहीं हैं, स्वच्छ स्वरूपतः आप निर्मल हैं, निर्विकार हैं, शुद्ध बुद्ध हैं। उस भाव को सदैव याद रखते रहें। उस भाव को हम याद रखेंगे तो गंदगी की तरफ हमारा मन जाएगा नहीं। और ये सोचते रहें कि मुझे अपने उस शुद्ध भाव को बना करके रखना है, उस शुद्ध दशा को बना रखने के लिए वैसे जीवन का आचरण बना करके रखना है। जब ये भावना मन में बनी रहेगी तो भटकाव नहीं होगा, धीरे धीरे ही सही, चाहे बहुत मंद गति से ही सही, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और फिर एक न एक दिन उस तथा उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम,
अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम